दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक वीडियो को शूट करते हैं जो कि मैंने किया है इस तरह से। आप सभी इस तरह से इसको शूट कर लेंगे। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा एक एप्लीकेशन काइन मास्टर में जाने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, वो 9.16 ले लेंगे। उसके बाद हम लोग जो शूट किया हुआ वीडियो है उसे ले लेंगे। उसके बाद इस वीडियो का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम लोग ने जो मैंगो वाला ब्लू स्क्रीन का इफेक्ट डाउनलोड किया है उसे हम लोग अब यहाँ सेट करेंगे। तो चलो ब्लू स्क्रीन वाला मैंगो इफेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद इसे हम लोग सही तरीके से सेट कर लेंगे जूम आउट करके। अब राइट साइड या लेफ्ट साइड किधर भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद क्रोमा की में जाएंगे। उसके बाद क्रोमा की में जाके इसको एनेबल कर देंगे। ब्लू कलर हम लोग इसे सेट करेंगे। इसे आप ब्लू बैकग्राउंड है इसके लिए थोड़ा सेटिंग कर लेंगे हम लोग 55 28 29 तक। ये हो जाने के बाद वापस हम लोग जाएंगे क्योंकि प्ले करके देख लेते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा हम लोग इसको सेट कर लेंगे सही तरीक़ों से। अभी थोड़ा प्ले करके देखते हैं। अभी सही है। तभी अभी जाएंगे हम लोग दूसरी लेयर ब्लर की तरफ जहाँ हम लोग उस पत्थर को चलाते ठीक उसी पोजीशन में हम लोग एक ब्लर वाला लेयर लेंगे। लेयर वाला ऑप्शन में जाके फैट में आने का ब्लर इफेक्ट इसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसको जूम करके हम लोग फुल स्क्रीन कर देंगे। और 3 डॉट में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। भले इसे हम लोग थोड़ा ब्राइटनेस इसको कम ज़्यादा कर लेंगे अपने हिसाब से। तो हम मैंने 2 रखा है। 3 डॉट में जाएंगे और इसको बैक कर देंगे। बैक हो जाने के बाद इसे थोड़ा साइज टू साइज करने के बाद मैंगो वाला इफेक्ट ऊपर का जो इफेक्ट उसे एक जैसा करने के लिए कट कर देंगे। अगर प्ले करके देखते हैं आप देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो चुकी है। अब हम इसे शेयर वाला ऑप्शन में जाएंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। ये हो गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद वीडियो प्ले करके देखते हैं।